नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, हम जो है कंप्लीट पेडागोजी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जितने भी टॉपिक्स होते हैं पेडागोजी के वो सारे कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी से आज का एक सवाल, जिसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे और देखते हैं किसका सही जवाब रहने वाला है। इसका जो सही जवाब होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, शिक्षा एक द्विमुखी या द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस, हु सेड दिस? तो इसका जो भी जवाब है वो आप हमें कमेंट करके बताइए और जिसका जो भी सही आंसर होगा आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहला टॉपिक वो है एजुकेशन। एजुकेशन में हम पढ़ेंगे आज मीनिंग ऑफ एजुकेशन और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ कर आ जाते हैं कि बताइए यह परिभाषा किसने दी थी या यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो उसी लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, सिंपली अगर हम बात करें कि एजुकेशन का क्या मतलब होता है, तो नॉर्मली लोगों के लिए एजुकेशन का मतलब ये होता है कि भाई पढ़ना, यानी कि ज्ञान जो है, हम नॉलेज जो हम ले रहे हैं वो शिक्षा है। लेकिन अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पे सबसे पहले जाते हैं कि शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या विद्या ग्रहण करना। अब विद्या शब्द का प्रयोग भी शिक्षा के अर्थ में ही किया जाता है। कई बार हम कहते हैं विद्या ग्रहण करने, इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तो विद्या का भी समानार्थी प्रयोग किया जाता है शिक्षा के लिए। तो विद्या शब्द की जो उत्पत्ति है वो विद धातु से हुई और विद का अर्थ होता है जानना। तो विद्या का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि विद्या यानी कि शिक्षा का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कि कुछ जानना और कुछ ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरीके से अगर हम इसी शब्द को अंग्रेजी में पढ़ें तो ये हो जाता है एजुकेटम। जो शिक्षा का जो इंग्लिश वर्ड है वो है एजुकेटम। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में तीन शब्दों से मानी जाती है कि भाई तीन शब्द हैं लैटिन भाषा में और यही आगे चल के एजुकेशन शब्द बना। तो ये तीन शब्द जो है वो इस प्रकार है, पहला है एजुकेटम, दूसरा है एजुकेयर और तीसरा है एजुसेयर। तो इन तीनों शब्दों के क्या क्या अर्थ होते हैं, देखिए एजुकेटम का अर्थ होता है एक्ट ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण कार्य। एजुकेयर का मतलब होता है टू एजुकेट, टू रेज, टू ब्रिंग अप, मतलब कि शिक्षित करना, उठाना या पालन पोषण करना। और एजुशेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट, संवर्धन अथवा पथ प्रदर्शन करना। तो इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ द एक्ट ऑफ टीचिंग, एजुकेटिंग एंड लीडिंग आउट, यानी कि पढ़ाना, शिक्षित करना और पथ प्रदर्शन करना। एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों ई तथा ड्यूसो से भी मानी जाती है। इस शब्दों के आधार पर जो इनके जो अर्थ हैं वो इस प्रकार है, ई मतलब फ्रॉम विद इन यानी कि हिंदी में बोले तो अंदर से, और ड्यूसो का मतलब टू ब्रिंग आउट, मतलब कोई किसी चीज को बाहर लाना। तो इससे अगर हम एजुकेशन का अर्थ पता लगाएं तो वो बनेगा प्रशिक्षण कार्य, पालन पोषण तथा पथ प्रदर्शन का कार्य। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसका सर्वांगीण विकास करती है। यानी कि शिक्षा का जो विस्तृत अर्थ अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर जो भी उसकी उसके जो गुण हैं, जो उसके अंदर पहले से विद्यमान हैं, उसको सही दिशा देना, सही रूप देना और उसको बाहर लाना, निखारना एक तरीके से। तो ये सही अर्थ होता है शिक्षा का। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ जो फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिन शब्द से जो बना है एजुकेटम, और उसका मतलब क्या अर्थ होता है इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं कुछ डेफिनेशंस पे, कि शिक्षा की कुछ परिभाषाएं भी बताई गई हैं जिसको हम कहते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए एग्जैक्ट सेम टू सेम किसने एजुकेशन की क्या डेफिनेशन दी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं सुकरात की। शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना।
ये सुकरात ने कहा था। अरस्तु के अनुसार क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, उन्होंने ये कहा था। प्लेटो की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। प्लेटो ने अपनी अभिव्यक्ति में कहा है शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक विकास है, शिक्षा व्यक्ति का मानसिक विकास है, शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास है। तो एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा के मुख्य रूप से ये तीन ही आयाम होते हैं, बौद्धिक विकास करना, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। बौद्धिक मतलब हम हमारे जो ब्रेन है उसको और ज़्यादा पहले से ज़्यादा विचार में बनाना, ज़्यादा सोच सके, थिंकिंग कर सके। अब हम बात हैं कि कमेनियस ने ये कहा कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करना है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके। पेस्टोलॉजी, शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। फ्रॉबल के अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करना है। महात्मा गांधी जी ने यह कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। और जॉन ड्यूवी की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिससे वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा भविष्य की आशाओं को पूरा कर सके। तो ये कुछ बड़े दर्शन शास्त्री थे जिनके बारे में, शिक्षा शास्त्री भी कहते हैं इनको, जिन्होंने की अपनी तरफ से परिभाषाएं बताई इनकी शिक्षा की। और सबका एक मेन पॉइंट, मेन बिंदु ये रहा है कि मुख्य रूप से शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की जो मानसिक शक्तियां उनको विकास, उनका विकास करना, मनुष्य के अंदर निहित जो शक्तियां हैं, जो सामर्थ्य हैं, जो गुण हैं, उनको निखारना, बाहर लाना। तो इस तरीके से उन्होंने मेन इस चीज़ को सेंटर में रखा है, उनका जो मेन थॉट है वो यही रहा है। तो ये जो था पूरा आज हमने पढ़ा कि शिक्षा का क्या अर्थ है और शिक्षा की क्या परिभाषा है, जो हमारा पहला टॉपिक था पेडागॉजी में, आज हमने वो कंप्लीट किया। आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, कोई भी नई वीडियो आती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।